हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द व्हाट इज परसेप्टॉन, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ परसेप्टॉन। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द परसेप्टॉन लर्निंग रूल, कि किस तरीके से परसेप्टॉन में आप लर्न कराएंगे किसी भी मॉडल को। और ये हमने बताया था आपको यूज़ किस में करते हैं, हम इसको नॉर्मली सुपरवाइज लर्निंग में यूज़ करते हैं फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन पर्पज। तो हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि परसेप्टॉन लर्निंग रूल है क्या। तो परसेप्टॉन लर्निंग रूल क्या है? परसेप्टॉन लर्निंग रूल स्टेट्स दैट द एल्गोरिथम वुड ऑटोमेटिकली लर्न द ऑप्टिमल वेट कोफिशिएंट, कि एल्गोरिथम क्या करेगी, ऑटोमेटिकली ये लर्न करेगी कि उसको क्या ऑप्टिमल वेट्स असाइन करना है, क्या इसको वेट असाइन किए जाएं जिसकी हेल्प से ये क्या करे, अपने आप को जो भी डिज़ायर रिजल्ट हमें चाहिए वो दे, एरर हमारी मिनिमम हो। एरर मिनिमम होगी कब? जब आपका ऑप्टिमल वेट उसको मिलेगा। और एक बार में ऑप्टिमल वेट मिलेगा नहीं, हमें हर बार अलग अलग वेट असाइन करने पड़ेंगे, रिजल्ट चेक करना पड़ेगा, तब हमें जाके आपका जो सिस्टम है या मॉडल है वो समझ पाएगा कि ये ऑप्टिमल वेट हो सकता है। तो इसमें क्या है कि लर्निंग रूल की हेल्प से आपका क्या है, सिस्टम या मॉडल अंडरस्टैंड करता है कि कौन कौन से वेट्स असाइन होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट इनपुट को, जिससे कि आपका वो डिज़ायर्ड आउटपुट दे पाए। द इनपुट फीचर्स, जो आपकी ये इनपुट फीचर्स हैं, दे आर मल्टीप्लाइज विद दीज वेट्स, वो वेट के साथ मल्टीप्लाई होती हैं और ये चेक करती हैं आगे चल के कि न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कैसे फायर करेगा नहीं करेगा ये डिसाइड करना है, वो हम अभी आपको बताएंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये आपके इनपुट्स होंगे, ये आपके वेट्स होंगे, और जो ये वाला वेट होगा इनिशियल वेट, ये किसके इक्विवेलेंट हम अज्यूम करते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू द बायस। तो सबसे पहला वेट किसके इक्विवेलेंट होगा, आपके बायस के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा जनरल में, डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी करके मिलेगा, डब्ल्यू आई एक्स आई इनसे मिलेगा और बी आपका फर्स्ट इनिशियल वेट होगा। बी आपका क्या है, बी इज द बायस। ठीक, द परसेप्टॉन रिसीव्स मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स, परसेप्टॉन क्या कर रहा है, मल्टीपल इनपुट सिग्नल रिसीव कर रहा है। ठीक है, एंड इफ द सम ऑफ द इनपुट सिग्नल एक्सीड ए सर्टेन थ्रेशोल्ड, इसका मतलब क्या है, इसने मल्टीपल इनपुट लिए, वेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, सबका समीशन मिल गया भाई। यहाँ से क्या मिला, बी इंटू वन बी, यहाँ से डब्ल्यू वन एक्स वन डब्ल्यू टू एक्स टू डब्ल्यू थ्री एक्स थ्री डब्ल्यू एन एक्स एन मिल गया, उसको हमने जनरलाइज करके लिख दिया सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई। तो क्या मिला जनरल में, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई और प्लस बी। अब ये जो हमें समिंग जंक्शन पर सबका सम मिला, उसको हम एक्टिवेशन फंक्शन की हेल्प से चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या वो थ्रेशोल्ड से, जो भी हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर रखी है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो द परसेप्टॉन रिसीव्स मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स एंड इफ द सम ऑफ द इनपुट सिग्नल, सम ऑफ द इनपुट सिग्नल्स एक्सीड ए सर्टेन थ्रेशोल्ड, वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू जो यहाँ पर होगी उससे एक्सीड करेगा, इट एदर आउटपुट से सिग्नल, या तो वो आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा उसके अकॉर्डिंगली, और डज नॉट रिटर्न एन आउटपुट, या वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, यानी कि या तो न्यूरॉन फायर करेगा या न्यूरॉन फायर नहीं करेगा, या तो न्यूरॉन एक्टिव होगा या न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा। वो किस पर डिपेंड करेगा कि क्या आपका थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर रहा है वो वैल्यू को या क्रॉस नहीं कर रहा है। इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द क्लास ऑफ द सैम्पल, ये सैम्पल की क्लास को प्रेडिक्ट करने में यूज करते हैं हम। ठीक है, परसेप्ट्रॉन फंक्शन को अब हमने यहाँ पर इसी चीज़ को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज द परसेप्ट्रॉन फंक्शन। परसेप्ट्रॉन इज ए फंक्शन दैट मैप्स एन इनपुट एक्स विच इज मल्टीप्लाइड विद द लर्न वेट कोफिशियंट टू जेनरेट एन आउटपुट वैल्यू एफ एक्स। परसेप्ट्रॉन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, आपका वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टू जनरेट एन आउटपुट वैल्यू एफ एक्स। अब ये एफ एक्स वैल्यू कैसे जनरेट हो रही है, परसेप्टॉन फंक्शन है क्या एफ एक्स, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर डब्ल्यू आई एक्स आई और बायस इसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड हमने क्या अज्यूम कर रखा है, जीरो, अगर ये वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा,
परसेप्ट्रॉन फायर करेगा, वन का मतलब परसेप्ट्रॉन फायर करेगा। और अगर डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी इसकी वैल्यू इक्वल है या लेस देन है जीरो से, जीरो मतलब थ्रेशोल्ड, तो ये क्या करेगा, फायर नहीं करेगा। तो परसेप्ट्रॉन फंक्शन एक फंक्शन है जो हम कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दे रहा है। इस पर वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है न्यूरॉन आपका एक्टिव हो जाएगा, इस पर वैल्यू लेस देन है न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो और वन की फॉर्म में आपको ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहा है ये पर्टिकुलर एक्टिवेशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली। डिपेंड करेगा ये कि 1 0 आएगा या 1 -1 आएगा डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, ये आपको ऑलरेडी पता है कि डब्ल्यू क्या है, वेट है, बी आपका बायस है, एक्स आपका इनपुट है, एन आपके नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो कितने हैं वो एन से हमें पता लग जाएगा। द आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 or 1, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज -1 or 1 डिपेंडिंग ऑन विच एक्टिवेशन फंक्शन। कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको 0 1 के आउटपुट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या -1 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा यहाँ पर तो जनरल वे में लिखा हुआ था, यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में किया है हमने कि W0 का मतलब बी, W0 का मतलब क्या है, बी बी प्लस W1 X1 W2 X2 अप टू W n Xn। ठीक, तो फंक्शन क्या निकल के आएगा भाई, ये तो जनरल फंक्शन हमने लिखा था, एफ X1 X2 X3 अप टू Xn क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा अगर W0 यानी कि B प्लस W1 X1 X2 and so on ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट W1 X1 W2 X2 W3 X3 W4 X4 प्लस B ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 होगा अगर इन सब की वैल्यू किससे होगी, लेस देन 0 से होगी। यानी दिस इज अ जनरलाइज फंक्शन, उसी को हमने n इनपुट्स के लिए लिख के दिखाया है। इसी तरीके से सेम फंक्शन को हम दूसरा अगर एक्टिवेशन फंक्शन है 1 और -1 वाला उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर W0 यानी कि B प्लस W1 X1 प्लस W2 X2 अपनू W xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1, और अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो -1। इस केस में फायर करेगा न्यूरॉन एक्टिव होगा, और इस केस में आर्टिफिशियल न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये तो अभी हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि लर्निंग रूल आपका मैथमेटिकली कैसे वर्क करेगा परसेप्ट्रॉन का। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस कि इन रूल्स को यूज़ करके जो परसेप्ट्रॉन के हमने रूल्स बताए, लर्निंग रूल ये आपके मैथमेटिकल फंक्शन बताए, हम सिस्टम को कैसे सिखाएंगे एंड गेट और गेट एक्सोर गेट नॉर गेट की टेबल को इम्प्लीमेंट करने में, कि 0 0 देंगे तो एंड गेट में 0 आना चाहिए, 0 1 देंगे तो भी एंड गेट में 0 आना चाहिए, 1 0 देंगे तो एंड गेट में 0 आना चाहिए, और 1 1 देंगे तो एंड गेट में 1 आना चाहिए। अगर हमें सिस्टम को सिखाना हो कि एंड गेट कैसे वर्क कर रहा है, मॉडल को सिखाना हो, तो वो कैसे करेगा, परसेप्ट्रॉन रूल की हेल्प से, या एक्सोर गेट है उसकी टेबल कैसे आपकी वर्क करेगी परसेप्ट्रॉन की हेल्प से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे। एंड वी विल यूज़ दीज फंक्शन, जो हमने ये फंक्शंस बताए हैं इनको यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज परसेप्ट्रॉन। इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।